Let's start with the sixth one. Here it says, find the probability of the events given in question 2. Question 2 क्या आपका, when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. तो हमने जैसे find out किया था second question में, अब हमें क्या find out करना है, probability find out करनी है of getting a prime number. अब हमें पता है die, die के हमें outcome पता है कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 outcomes आ दिया, तो total तो 6 आने ही है. अब यहाँ पे prime number कौन से है, 2 है, 3 है एंड 5 है, सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आ दे, 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2. द सेकेंड पार्ट से नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. तो प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब 1, 4 एंड 6 कितने हो गए इन टर्म्स, इन नंबर्स 3 हो गए, 3/6 कितना हो गया, 1/2. सेकेंड केस में हमें पूछा गया नंबर ग्रेटर देन 5, क्या किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे 5 से बड़ा तो सिर्फ एक ही नंबर है, विच इज 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6. इन काउंटिंग हमें लिखना होता है ऊपर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऊपर वाले. बी पार्ट में आपसे बोला है नंबर ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. सो नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो गया, इट कैन बी 4, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1. So how many are they? It would be 4 over 6, and 4 over 6 is nothing but 2 over 3.